हेलो मरहबा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस ब्लॉग्स एंड दिस इज अ बॉय मोहम्मद। मैं रफीन स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल बैठा हूँ मैं एसबीआई के शोरूम के बाहर और हमारे नब्बू भाईजान भी पहुँच चुके हैं दूध में। तो आज का सीन ये है कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग ने देखा कि हमने गुवाहाटी से ग्वालपुरा तक ट्रैवल किया, तो ग्वालपुरा से फिर मैं अभी रिटर्न आ चुका हूँ दूध में तक, मतलब थोड़ा पीछे आना पड़ता है, 30 किलोमीटर पीछे आना पड़ता है। तो आज का प्लान ये है कि हमें दूध में से ईमानगिरी तक जाना है पहले, उसके बाद आगे का प्लान होगा। दूधनी से ईमानगिरी कम से कम 110 से 115 किलोमीटर के अंदर है, लेकिन जो रूट है भाई साहब उसमें इतना कर्व्स है, आपका आज सिर हिल जाने वाला है। आपका क्या, मेरा खुद का भी सिर हिलने वाला है, क्योंकि शायद मणिपुर के बाद, मणिपुर हफलों के बाद शायद ही ये एक रूट होगा जिसमें इतने सारे कर्व्स देखने को मिल रहा है मुझे। और वेलकम टू द अनसीन हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, द गारो हिल्स। लेके चलते हैं हम आपको इस नए सफ़र पर। शायद बहुत कम लोगों ने गारो हिल्स एक्सप्लोर किया हुआ है लेकिन बहुत कम लोगों ने, तो ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया जगह है, आप लोग के लिए भी शायद एक नया ही जगह होगा। और काफ़ी सुंदर सुंदर लोकेशन है गारो हिल्स में, तो जितना हो सके हम लोग आज कवर करेंगे। बाकी हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वो तो भाई साहब लाजवाब डेस्टिनेशन है, एक बार बस पहुँच जाए। चलिए अभी शुरू करते हैं, रोड हम दिखाते हैं कहाँ से कटता है रोड गारो हिल्स की तरफ, सीधा मिलता है अभी गोप्रो में। ओके गाइस, तो ये है दूधनई का तीनियाली, और तीनियाली से हमें जाना पड़ेगा राइट साइड के तरफ, जो दामड़ा के तरफ रास्ता घुसता है इस तरफ हमें कट जाना पड़ेगा। सीधा जाने से आप पहुँचेंगे, इस साइड जाने से गुवाहाटी पहुँचेंगे, उस साइड जाने से ग्वालपरा पहुँचेंगे। मैं ग्वालपरा की तरफ से आया था, नाबट गुवाहाटी की तरफ से आया। तो ये है रोड जो आपको लेके जाएगा साउथ गारो हिल्स, या फिर गारो हिल्स जिस साइड ही आप जो आप बोलना चाहो। दामड़ा 6 किलोमीटर, बागमारा 132 किलोमीटर। आप लोगों को पता है यहाँ से एक रूट जाता है तो सीधा शिलोंग को निकलता है, वो रूट मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बाद में। जुड़े रहिए वीडियो में, तब आपको सब दिखते रहेगा एक एक करके कौन सा रूट कहाँ जाता है। और ये जो पार्ट हम लोग अभी लेके जा रहे हैं आप लोगों को डिस्कवर कराने के लिए, ये पार्ट वन ऑफ द सेक्सीएस्ट, मतलब सीनेरिक ब्यूटी जो है हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में, आफ्टर हाफलोंग, आफ्टर मणिपुर, मतलब बहुत सुंदर जगह है भाई साहब। बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, और जिन लोगों ने एक्सप्लोर किया है उन लोग से आप अगर पूछो तो वो लोग भी यही बताएंगे कि काफ़ी सुंदर जगह है भाई साहब जो गारो हिल्स है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो है ये थोड़ा जगह जो है थोड़ा अंदर की तरफ है, तो इसलिए लोग ज़्यादा विज़िट नहीं करते। लेकिन मैं बोलता आप लोग विज़िट करो गारो हिल्स, क्योंकि गारो हिल्स बहुत ही सुंदर जगह है भाई साहब, बहुत ही सुंदर जगह है। अभी भी गारो हिल्स में बहुत सारे जगह डिस्कवर होने बाकी है, बहुत कैनियंस है, बहुत केव्स है, बहुत कुछ है। जो हमें आज ऑन द वे रूट में 4 से 5 व्यू पॉइंट्स मिलेंगे शायद, सब में आपको दिखाते हैं व्यू पॉइंट्स भी, सब कुछ सुंदर से। और आशा करता हूँ आप लोग जो फर्स्ट पार्ट है उसको जाके देखिएगा इस ब्लॉग का, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कैसे शुरू किए हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हम। तो इसलिए एक बार जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फिर पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर जाके फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्ट जो आने वाला है इस सीरीज़ का काफ़ी सुंदर होने वाला है वो जो थर्ड पार्ट होने वाला है। तो अभी खींचते हैं हम लोग थोड़ा, हम लोग का जो रूट है काफ़ी लंबा रूट है ना, तो एक्चुअली रूट जो है वो छोटा है, 110 से 115 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कर्व्स, मैप खोल के हम आपको कर्व दिखाएंगे थोड़े बाद में, आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये काफ़ी गलत जगह है, इतने कर्व्स। यू आर अ कर्व लवर, यू शुड विजिट गारो हिल्स भाई साहब। जो लोग शिलोंग और मेघालय के रूट पे कॉर्नर इंच ले रहे हो, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब आओ कभी गारो हिल्स, इतना कॉर्नरिंग मिलेगा ना मैं माथा खराब हो जाएगा, भाई कहाँ आ गए भाई हम लोग। सो गाइज, दिस इज़ द पॉइंट, अगर आप लोग मेघालय होके आओ तो यहाँ से आके आपको ये तीनियाली मिलेगा, उधर से लेफ्ट जाने से नोंगस्तोइन होके सालांग होके निकलता है ये रूट लेफ्ट साइड, और राइट साइड से हम निकलेंगे अभी टूवर्ड्स ईमानगिरी। यस, ईमानगिरी, ईमानगिरी का जो रूट है वो आपको सीजू तक, तो आपको रूट है सीजू के बाद से मैप भी आपको ख़त्म हो जाता है ईमानगिरी तक, अभी पता नहीं क्या होगा। हम लोग सीजू तक पहले पहुँच लेते, उसके बाद लोगों को पूछ के हम लोग जाते रहेंगे ईमानगिरी की तरफ, क्योंकि
ईमानगिरी का जो रूट हमें नहीं दिखा रहा है मैप, मतलब ईमानगिरी तक दिखा रहा है मैप लेकिन रूट नहीं दिखा रहा है, सीजू तक जाके रास्ता ख़त्म हो रहा है, फिर वहाँ से ब्लैंक है, फिर डायरेक्ट रेड स्पॉट दिखा रहा है हमें अपना लोकेशन सीधा वहाँ पर, क्या बोलते हैं उस जगह को, ईमानगिरी, और इस जगह नाम है रोंगजेंग। यहाँ पे बाजार बैठा हुआ है रोंगजेंग में, हमें एक ATM चाहिए क्योंकि नाबार्ड में पास ज़्यादा कैश नहीं है, तो उसको भी कैश निकालना पड़ेगा क्योंकि कैश इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रो, कैश नहीं होगा तो कैसे होगा, ये सब जगह पे ऑनलाइन नहीं चलता है। अगर आप लोग भी कभी इधर आ रहे हो तो ऑनलाइन कभी, ऑनलाइन के भरोसे तो कभी मत आना इधर, इधर जो है सब ऑफलाइन है भाई। सो गाइस, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं हम लोग अभी, लेकिन अभी भी रास्ता जो है कर्वी है, और कई कई जगहों में ऐसा ऐसा फॉग हो रहा है ना भाई साहब, आगे के लिए आगे आगे से कोई गाड़ी आता तो डर लग जाता है, दो मिनट के लिए, दो सेकंड के लिए मतलब डर लग जाता है आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाता तो। अरे पता नहीं क्या जिसका पानी गिरा हो रहा था इस रोड पर, ऐसे कर्व है पूरा रास्ता, उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे पतला पतला मिट्टी गिरा रहता है, बहुत स्किट करता है भाई, दो बार स्किट खाया हूँ मैं अभी तक। वो क्या ही नज़ारा है मेरे मुँह के सामने, कुछ नहीं दिख रहा है राइट साइड में, मतलब नीचे वैली है, मैं सोच रहा था कि मैं आपको वैली दिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा वैली विजिबल है, ज़्यादा विजिबल नहीं है, मतलब गारो हिल्स इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सोचा नहीं था गारो हिल्स का भी ऐसा। और रोड देखो ना भाई, क्या मक्खन रोड है यार, तब से ऐसे ही चला रहा हूँ, कर्व लेते में दुनिया दिन जा रहा है कर्व लेने में, लेकिन क्या ही मक्खन रोड है। अभी टाइम हो रहा है 8:57, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि अभी 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप अभी तक चढ़ा नहीं है, हम लोग जब नीचे थे तब थोड़ा थोड़ा धूप मिल रहा था, लेकिन यहाँ तक अभी तक धूप चढ़ा नहीं है। 10 minutes later. So guys, third experience of the day. यहाँ पे चाय जो है वो बहुत, मतलब चाय कम पानी ज़्यादा है, ऐसा है। और नहीं, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। okay. और यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कोई नहीं, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता, वैसा थोड़ा सीन है, मतलब मिल के चलना पड़ेगा। और नब्बू हमारे लिए एप्पल लेके आया था गुवाहाटी से, तो अभी हम लोग एप्पल खा रहे हैं, ये तो दाना भी इसका 3 bites में पूरा एप्पल खत्म भाई, क्या खाया भाई तू इतना जल्दी, 5 bites में पूरा एप्पल खत्म, मेरा अभी कितना 20-25 bites चल रहा है, अभी इतना ही गया है, हंसता है साला। उधर बाइक्स पार्क्ड है तो इधर एक्चुअली धूप मिला मुझे, इसलिए मैं इधर रुक गया, ये बोल रहा मुझे गर्मी लग रहा है, इसका गर्मी लगने का कारण मैं बताता हूँ, ये आया गुवाहाटी से, ये अंदर पहना हुआ 6-6 layer का कपड़ा पहना हुआ, तुम पानी में भी ये पहन के उतरोगे? नहीं, खोल के उतरोगे? हाँ, बढ़िया लगेगा तुमको देखने में। एक एक लेयर खुलोगे ना तुम। चलो ये खाता हो, फिर मिलता हो GoPro में, चलिए। सो गाइस, टाइम टू लीव, ये तो गाड़ी में बैठ भी चुका हूँ, मैं स्टोरी दे रहा हूँ, एक Give me 1 minute, then we will go. By the net fast है भाई, 2 seconds में story चला गया. Wow. Town में इतना fast नहीं होता net, इधर जितना fast है. Okay. Time to leave. इधर थोड़ा चाय वाय पी ली हमने, देखा ही होगा आपने. Oh, चाय का clip नहीं लिया था मैंने. चाय पिया हमने और उसके बाद पार्ले जी बिस्किट के साथ, ज़्यादा कुछ है नहीं इधर, आगे जाके अगर कहीं पे पूड़ी या फिर मैगी वैगी मिल जाएगा तो खा लेंगे। अभी फिर से शुरू करते हैं पेलम पुलाई, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 58 किलोमीटर है, लेकिन वो 58 किलोमीटर दिखा रहा है हमें 2 घंटा, अभी पता नहीं क्यों, शायद कर्व्स की वजह से, वैसे तो 58 किलोमीटर वैसे तो मुझे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन इधर टाइम दिखा रहा है करीब से करीब 2 से 2.5 घंटा दिखा रहा है। चलो धीरे धीरे जाते रहते। ओह शिट, मिस कैलकुलेशन ऑफ अ टर्निंग, मुझे लगा था शॉर्ट कर्व होगा, लंबा कर्व निकल गया, कोई नहीं। So guys, check out this view.
क्या सुंदर नज़ारा है भाई साहब, साउथ गारो हिल्स। फिलहाल हम लोग साउथ गारो हिल्स में नहीं है, फिलहाल हम लोग ईस्ट गारो हिल्स में है। हम लोग आगे जाके रास्ता जहाँ से डिवाइड होगा, आगे हमें एक तो कोयला का मार्केट मिलेगा, उस मार्केट से जहाँ रास्ता डिवाइड होगा वहाँ से हम घुसेंगे साउथ गारो हिल्स। कैसा लग रहा है रे बाबुआ? बढ़िया लग रहा है। चलो हम धीरे धीरे जाते हैं, तुम पेल पेल के आओ। धीरे धीरे और अच्छा लग रहा है ये जगह मुझे, जितना अंदर जा रहा हूँ। बेसिक सुविधा यहाँ पे हो मिल जाता है, जितना बेसिक सुविधा चाहिए आपको सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। और देखो हम हैं भाई साहब बिल्डिंग में रहने वाले इंसान, हम कॉन्क्रीट के जंगल में रहते हैं, तो ये जो जंगल हमें अभी मिल रहा है ये जंगल हमें काफ़ी पसंद आ रहा है। इसलिए अगर आप लोग इस जंगल से कॉन्क्रीट के जंगल में जाओगे तो आप लोगों को कॉन्क्रीट का जंगल पसंद आएगा, लेकिन हम तो भाई कॉन्क्रीट से इधर आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा पसंद आ रहा है। 10 minutes later. So guys, finally हमें थोड़ा ऑफ रोड शुरू हुआ। शुरू होते ही थोड़ा सा ऑफ रोड क्या किया, हमें एक नज़ारा मिल गया देखने के लिए, तो इधर रुक लिया थोड़ा। तो रुक ही लिए हैं तो थोड़ा रुक ही लेते हैं, एक दो टू स्टोरी बना ही लेते हैं, एक फ़ोटो उठ ही लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर है, लेकिन टाइम दिखा रहा है 1 घंटा और। ज़्यादा नहीं है किलोमीटर, 20 किलोमीटर है खाली। काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई साहब, वाटरफॉल, छुटकू सा वाटरफॉल है लेकिन सुंदर लग रहा है। चलो कैसे बा? ठीक बा? तुमको सैडलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना हाइट के वजह से, तुम्हारा हैंडल तो स्टॉक हैंडल है, मुझे पता चला तुमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं जब पेलता हूँ ना पेल के थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, फिर से पीछे देखने लगता हूँ तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। साइड मिरर में देखता हूँ मैं बार बार, क्योंकि मुझे तेरा हाइट मेरे से भी ज़्यादा है ना, और मेरा इसके साथ ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा तो स्टॉक हैंडल लगा हुआ है, चेंज करा लेना। मैं भी शायद मैं इसके साथ और शायद राइजर दूंगा, मुझे अभी भी थोड़ा डाउन लगता है बाइक। सो गाइस, हो चुका है मेरा घड़ी में गोल, मतलब इतना ही हम लोग ऑफ रोडिंग किए हैं अभी 5-10 मिनट से, मतलब उस वाटरफॉल से आते वक्त। तो घड़ी हिलते हिलते घड़ी को लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, इसलिए घड़ी में हो चुका है गोल। और फिलहाल है हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है, 16 किलोमीटर वाटरफॉल से था, तो अभी कम से कम 12 या 13 किलोमीटर कुछ ऐसा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और हम पहुँचने वाले हैं ईमानगिरी तक, ईमानगिरी नहीं एक्चुअली हम लोग अभी सीजू तक पहुँच जाएंगे, फिर उसके बाद हमें वहाँ से रूट पता करके हमें दादूगिरी फिर ईमानगिरी ये दोनों जगह तक पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद ही हम हमारा जो बंदा है वहाँ पर उनको कॉन्टेक्ट करेंगे। कॉन्टेक्ट करने के बाद वो आगे तक आएगा हमें लेने के लिए, उसने कहा है। तो अभी वैसा ही सीन है, जा रहे हैं धीरे धीरे, शायद 11 तो बजने वाले, 11:30 बजे तक शायद पहुँच जाएंगे हम। और ये बोलेरो वाला तब से मुझे साइड नहीं दे रहे भाई, काहे वाई बोलेरो वाले भाई साहब वाई, ऐसा काहे कि ये हो तुम मेरे साथ, तुम मुझे साइड क्यों नहीं दे रहे हो भाई साहब। सेडलिंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि आज पहली बार बहुत दिनों बाद, एक से पहली बार नहीं बहुत दिनों बाद मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, वो भी बिना कुछ लगेज वगैरह के साथ, मतलब ऐसे ट्रिप में। वैसे तो ऑफ रोडिंग में जाने से तो मैं लगेज नहीं लेके जाता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रिप के टाइम में अगर साथ में लगेज ना हो ना भाई भाई भाई, भाई क्या वही मज़ा है भाई साहब। इसलिए ऑफ रोडिंग आज मतलब पूरा शांति से पेट भर के ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ आज मैं। वो एक कैमरा लगाना पड़ेगा पीछे का एंगल लेने के लिए, पीछे में जो बाइक स्किड करता है ना वो चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन पीछे में पीछे का व्यू काफ़ी सुंदर व्यू आता है भाई साहब, पीछे से अगर मतलब एडवेंचर को देखो काफ़ी मज़ा लगता है देखने में, क्योंकि बहुत ही स्किड कर करके चक्का निकलता है हर एक जगह से, जैसे आप एक्सलेट करते हो टर्निंग वर्निंग पर पूरा चक्का ऐसे स्किड कर देता है भाई 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 भाई, भाई, भाई। हालत ख़राब हो रहा है धीरे धीरे भाई साहब, इधर ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ के जा रहे हैं अभी। इतने टाइम से टर्मेक रोड पे चला रहा था, मैं कह रहा था कि ऑफ रोडिंग मिलने से अच्छा लगेगा क्योंकि इधर, लेकिन इधर का ऑफ रोडिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब है भाई साहब,
गोल गोल पत्थर ही पत्थर है भाई हर जगह में। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इस सीजू केव से आप लोग अगर आ रहे हो, मतलब वही एक ही रास्ता है भाई साहब, सीजू केव से आगे रास्ता आपका गूगल मैप काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वहाँ से आगे का कोई रूट नहीं है। तो सीधा ही आते रहना, आपको कहीं पे कोई और दूसरा टर्निंग वर्निंग में नहीं घुसना, सीधा ही आते रहना है। चाहे तो आप किसी लोगों से वहाँ पे पूछ सकते हो कि ईमानगिरी कहाँ से जाना है। तो 7 to 8 किलोमीटर्स पे एक ब्रिज आएगा, वो ब्रिज से हमें राइट लेना है या ब्रिज क्रॉस करके राइट लेना है, कुछ वैसा कुछ हमें लेना है। अभी वही उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग कि ये ब्रिज किधर है। तो गाइस फाइनली सीधा सीधी आके ये एक राइट टर्न लेता है, इधर रास्ता सीधा पता नहीं किधर जाता है। इधर लिखा हुआ है ईमानगिरी 16 किलोमीटर, अभी हमें अंदर जाना है 16 किलोमीटर है कि नहीं एलियन साले। पानी वानी है क्या, सब कुछ है, पानी वानी है सब कुछ, पैसा नहीं है, बाइक दे देंगे तुम्हारा कोई बात नहीं। वैसे भी इधर अभी तक मुझे एक भी एक्सपल्स नहीं दिखा है साला, सब लोग हमको ही घूम घूम के देख रहे हैं। हम दोनों को ये क्या बाइक लेके आ गया ये लोग, नीला नीला रंग का। चलो सो गाइस फाइनली ईमानगिरी के बोर्ड से हम लोग घुस चुके हैं ईमानगिरी, और यहाँ पे आके हम लोग पहुँच चुके दीपक भाई के घर पे। तो यहाँ पे नब्बू बैठा है, मैं बैठा हूँ, तो 2 कप चाय और 2 मैगी का व्यवस्था करते हैं पहले, क्योंकि भूख लगा है सुबह ब्रेकफास्ट, मतलब पता ही है क्या किया था ब्रेकफास्ट हमने। ब्रेकफास्ट में चाय पिया, वहाँ से आया, फिर पार्ले जी एक बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट वन उनको मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उनको बताया कि पार्ले जी बिस्किट वन। फिर उनको समझ में आया, मुझे एक पार्ले जी बिस्किट दिया, हम लोग चाय पे पिए, एक एप्पल खाया, ये गुवाहाटी से लेके आया था एप्पल। तो उसके बाद अभी हम लोग पहुँचे ईमानगिरी दीपक भाई के घर पे। यहाँ का एड्रेस तो हम डाल सकेगा नहीं क्योंकि ये मैप में भी है नहीं। तो अभी का सीन ये है कि हम चाय पे पीते हैं, वो सब देखिए। हमारा चाय और मैगी आ चुका है, खाओ खाओ तुम खाओ साला, ये हमको आज मरवा देता, मर्डर करा देता आज हम लोग का यहाँ पे। बाद में बताता हूँ मैं क्या करता मैं, क्योंकि खाली हम लोग अभी जाने वाले हैं वारीछोरा की तरफ। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट वारीछोरा एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग वारीछोरा का पार्ट। तो यहाँ हम लोग का कायक का जो रबर बोट है उसका हवा निकाला जा रहा है, तो हम लोग जहाँ से घुसे थे नीचे से वो पार्ट मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आपके लिए ईजी रहे कि आप अंदर कैसे, मतलब इन लोग के घर तक कैसे पहुँच पाओगे। और इन लोग का एक प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट का भी हमने फोटो ले लिया है, वो भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, तो देख लीजिएगा। तो उसके लिए आप सेकंड पार्ट, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोग जरूर देखिए, तभी अच्छा लगेगा ना भाई साहब। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे।